लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी की तरह है, जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर एक मोड़ नया रास्ता शुरू कर देता है। जिंदगी का परम सत्य यही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको पत्थर मिलेंगे, कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी कटु सत्य है कि जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और इसे टाला नहीं जा सकता है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जिंदगी में अपनों के साथ अपना सुख और दुख जरूर साझा करना चाहिए। जब हम अपने दुख का साझा करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है, लेकिन जब हम अपने खुशी को साझा करते हैं तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है। कान्हा कहते हैं, इस जीवन में ऐसी बहुत चीजें हैं जो बहुत खूबसूरत है, बस हमें जिंदगी जीने का तरीका बदलने की जरूरत है, फिर हमारी जिंदगी अच्छी और बेहतर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी जिंदगी जीने का तरीका बताते हुए कहा है कि अपनी जिंदगी के साथ हर खुशी को खुलकर जीना चाहिए। हम अक्सर बड़ी खुशी के पीछे भागते हैं, इस कारण हम अपनी छोटी छोटी खुशी को भूल जाते हैं। उन बड़ी खुशियों को पाने में अक्सर समय बीत जाता है और हम खुशियों के पल जीने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जिंदगी जीने का अच्छा तरीका होता है कि हम सिर्फ बड़ी खुशी के पीछे न भागे, हमें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी खुलकर जीना चाहिए। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। कान्हा कहते हैं, मौत जिंदगी का एक सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता है, अतः जिंदगी के हर पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह पल जिंदगी का आखिरी पल हो। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, हमें अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जिंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम जब सुबह सोकर उठे तब हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक और दिन दिया जिंदगी जीने के लिए। जीवन में ये देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते दिल के पास होते हैं, ये रिश्ते ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। हम पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन रिश्तों को नहीं कमा सकते हैं, इसलिए हमें जिंदगी जीने के लिए रिश्तों को अहमियत देना चाहिए। कान्हा कहते हैं, जिंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें विपरीत परिस्थिति में धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। अगर काबिल हो तुम काबिलियत साबित मत करो, उसी काबिलियत के दम पर खुद में तुम जोश भरो। कर दिखाओ कुछ ऐसा देख सब हैरान हो जाए, लोग मिसाल दे तुम्हारी और तुम्हें याद कर महान कहे। इससे पहले कि लाश बन जाओ कुछ ऐसा करो कि खास बन जाओ। कान्हा कहते हैं, सफलता जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सफलता हमें एक नई पहचान देती है। इसके साथ ही सफलता हमें जिंदगी में सम्मान और बहुत कुछ देती है। सफलता हमारे न होने के बाद भी हमारे नाम को जिंदा रखती है। सफलता के बिना कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है, अतः सफलता के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए पैसों को हमेशा सब कुछ नहीं मानना चाहिए। पैसा हमारे जीवन को सरल और आसान बनाता है, लेकिन पैसा ही जीवन के लिए सब कुछ नहीं होता है। पैसा कभी हमें
अच्छा और सच्चा रिश्ता नहीं दे सकता है। विचारों का जीवन में काफी असर होता है। हमारे अच्छे विचार ही हमें काबिल और महान बनाते हैं। जिंदगी को अच्छे से जीने का तरीका है कि हमारे विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। जिंदगी में यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने पर हमें जो खुशी मिलती है वह खुशी सबसे बड़े खुशी में से एक होती है। जिंदगी में हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए। ईमानदारी से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। किसी को भी अगर अपनी जिंदगी को खुशी के साथ जीना है तो ईमानदार बनकर जिए। जितना ईमानदार रहेंगे उतना ज्यादा खुशी मिलेगी। जीवन में सांसारिक कर्मों के अलावा समय निकालकर हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में भगवान को याद करते रहें, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे रिश्ता जोड़ता है उसे मैं वो सब कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। अतः हे मानव, तुम मुझसे रिश्ता जोड़ो। कान्हा आगे कहते हैं, जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियों को करते ही जाएं। इसका मतलब ये है कि उस गलती से सीखकर हम वो गलती दोबारा न करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्णा।